नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी की 3 बजे की 30 बड़ी खबरों में। हिंद महासागर में गिरा चीन के रॉकेट का मलबा, नासा ने बताया गैर जिम्मेदार। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में गोलीबारी, 4 साल की बच्ची समेत 3 लोगों को लगी गोली। जापान में एथलीट्स को जिन 500 शहरों में रुकना था, वहां के मेजबानों ने हाथ खड़े किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख पर रवैये के खिलाफ चीनी अध्यक्षता वाले सुरक्षा परिषद की बैठक का बहिष्कार किया। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, कोरोना और 5G जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। कोरोना वैक्सीन पर मोदी को मिला फ्रांस का साथ, कहा भारत को किसी का भाषण सुनने की जरूरत नहीं। कोरोना से दुनिया में पिछले 24 घंटे में 7.83 लाख केसेस आगे आए, 13,000 से ज्यादा की जान गई, इनमें से 47% सिर्फ भारत और ब्राजील। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की हालात पर पंजाब, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की। उत्तर प्रदेश में फिर 1 हफ्ते आगे बढ़ाया गया लॉकडाउन, 17 मई तक रहेंगी पाबंदियां। दिल्ली में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, नहीं चलेंगी मेट्रो, सीएम बोले इस बार पाबंदियां होंगी सख्त। कोरोना से संबंधित मेडिकल उपकरण पर ना लगे GST और कस्टम ड्यूटी, ममता ने पीएम को लिखी चिट्ठी। नीदरलैंड से 24 घंटे में आए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मुंबई से इंदौर पहुंचने में लगे 48 घंटे, वहीं देनी पड़ी रिश्वत। यूपी में कोविड ड्यूटी पर मरने वालों के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपए, आदेश हुआ जारी। इंडियन एयरफोर्स का मिशन ऑक्सीजन, C-17 विमान राहत कार्य में जुटे। कोरोना से यूपी के ग्रामीण इलाकों को बचाने की तैयारियां शुरू, सीएम योगी ने किया गांव का दौरा। मुंबई में मरीज को मोर्चरी गेट पर छोड़ गए 2 स्वास्थ्य कर्मी, अस्पताल प्रशासन ने किया बर्खास्त। DRDO की एंटी कोरोना दवाई मंगलवार से मार्केट में होंगी उपलब्ध। रांची में 1,000 के ऑक्सीजन किलोमीटर को 5,000 में बेच रहे थे दुकानदार, पुलिस ने दबोचा। कोरोना संक्रमित की मदद करेगा IIT ISM, वेब पोर्टल पर देश के किसी भी कोने से रख सकते हैं समस्या। NH 98 पर हुआ हादसा, दूल्हा दुल्हन सवार कार ने सड़क क्रॉस कर रहे 2 लोगों को मारी टक्कर, लोग हुए जख्मी, नव दंपति को दूसरी गाड़ी से भेजा गया घर। संक्रमण काल में दिख रही बड़ी लापरवाही, आम दिनों की तरह सब्जी बाजार में जुट रही लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, नहीं हो रही कार्रवाई। कोरोना संक्रमण रोकने में जुटे अधिकारी ही बरत रहे लापरवाही, ड्यूटी से गायब 4 मजिस्ट्रेट पर हुआ केस दर्ज, पटना जंक्शन पर लगी थी ड्यूटी। बिहार में BJP नेता के घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब व बियर बरामद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में 3 गिरफ्तार, EOU का निजी अस्पताल में छापा, मोटरसाइकिल, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बरामद। बिहार में लॉकडाउन के बाद से वैक्सीन लगवाने से कतराने लगे लोग, DM का निर्देश, टीका लेने वालों को परेशान न करें। अस्पताल से शमशान तक हर कदम पर लूट रहे सौदागर, दाह संस्कार में परिजनों से वसूले जा रहे 25 से 30 हजार रुपए। सितंबर अक्टूबर में टूर्नामेंट होना संभव, 15 साल बाद इंग्लैंड का पहला पाकिस्तान दौरा रद्द या टल सकता है। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत वर्सेस न्यूजीलैंड, द एज बाउल मैदान में न्यूजीलैंड की टीम पहली बार मैच खेलने उतरेगी, वहीं भारत ने अब तक वहां 2 टेस्ट खेले, दोनों में मिली हार। केरला ब्लास्टर्स ने फुटबॉल सीजन शुरू होने से पहले नए कोच की खोज तेज की। भारतीय खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए फीफा ने किया ऐलान। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ, धन्यवाद। स्वदेश वाणी।